तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तो रैम को इंक्रीज़ करने के लिए दोस्तों आप लोग को सीधा आना है अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद आप लोग को अबाउट फ़ोन के ऑप्शन में आना है। दोस्तों, तो अबाउट फ़ोन के ऑप्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अबाउट फ़ोन का ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को देखना है कि आपके फ़ोन में रैम का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है। तो ये मेरे फ़ोन में रैम का ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रैम एक्सपांशन का एक ऑप्शन आएगा, तो उसको करना है मुझे एनेबल। तो दोस्तों, इसको एनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपांड कर सकता हूँ मेरे फ़ोन में रैम 3 GB तक का। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है अभी तक 3 GB। और इसको सेटिंग को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी तक सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हुई नहीं है। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटिंग अभी तक यहाँ पे अप्लाई हुई नहीं है दोस्तों। तो उसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोग को करना है मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट। तो रिस्टार्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन की रैम इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन को कर दिया है रिस्टार्ट। तो दोस्तों, फिर से चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में और अबाउट फ़ोन के ऑप्शन में। तो सेटिंग में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा थोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन में। तो जैसे अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम यहाँ पे एक्सपांड हो चुकी है, जो कि 3 GB दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने मेरे ओप्पो A9 2020 मोबाइल में आपको रैम कैसे इंक्रीज़ करते हैं इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, थैंक यू।